सर, माय जर्नी स्टार्टेड विथ लॉकडाउन। मुझे तो पहले स्टॉक मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ तो माय वन ऑफ माय फ्रेंड हुज पोर्टफोलियो वाज नियर अबाउट 6 लाख, दैट वाज क्रैशेस टू 2 लाख। सो आई पर्सनली स्टार्टेड डूइंग रिसर्च एंड फाइंडिंग द यूट्यूब्स की यार एक शेयर मार्केट में लोग पैसा बनाते क्यों है। सबसे पहले मैंने ढूंढना चालू किया कि लोग पैसा डुबोते क्यों है। तो सर, ये फीडबैक लेते लेते फिर कैसे शेयर मार्केट में कांड होते हैं, कैसे पैसा लोग डुबाते हैं दूसरे का, ये देखते देखते फिर हल्के हल्के आपके वीडियोस पे आ गया एक दिन। तो जो आपके वीडियोस देखना चालू किया, तब मैंने मोटिवेट होके मैंने सोचा यार सारी दुनिया पैसा कमा रही है, बैंक्स तो हमें 6% रिटर्न देती है, तो यार अगर मेरे को कुछ करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट जी अगर मेरे दोस्त ने 6 लाख का पोर्टफोलियो 2 लाख कर दिया और मैंने भी सेम चीज गलती की, तो मैं तो बहुत सही बड़ा नुकसान में जाऊंगा। देन आई डिसाइडेड फर्स्ट लर्न देन अर्न। एंड देन वेरी नाइस। तो फर्स्ट मैंने डिसाइड किया आई विल हैव टू ज्वाइन द क्लासेस। तो आपके वीडियोस देख देख के इतना मोटिवेट हो गया कि आपका मैंने टेलीग्राम ज्वाइन कर दिया। आपके टेलीग्राम में जैसे ही मैसेज आ गया मुझे कि आपके क्लासेस चालू हो रहे, मैंने आपको मैसेज किया, आपके टीम्स को मैसेज किया, मुझे फीडबैक मिला, और सेम जिस समय पे मुझे वो आपका डिटेल्स मिल गए उसी समय पे मैंने पेमेंट करके आपका क्लास ज्वाइन कर दिया। यू विल मतलब नॉट सोचा बिलीव भी नहीं सर, कि क्या और देखूं, वहीं सोचा भी देखूं। नहीं, सोचा भी नहीं, मैंने कुछ सोचा नहीं। आई वॉज फुल्ली मोटिवेटेड विथ योर वीडियोज और मैंने सोच लिया था कि मुझे अभी इन्वेस्टमेंट करना है और सीखना है, क्योंकि अगर मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो विदाउट नॉलेज आई कांट इन्वेस्ट। आई एम ए प्रोफेशनल सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, और मैं इसमें बिलीव नहीं करता था, लेकिन मेरा पहला तजुर्बा है कि पहले लर्न करो फिर इन्वेस्ट करो। और सर, आपका क्लास ज्वाइन करने के बाद मेरे को तो सर आपके नाम पे ही डाउट होने लगा है अभी, हरी नाम पे। सर, जैसे कि क्यों? हर एक एपिसोड में आप कुछ नया दिखाते हो, हर रोज कुछ, हैरी पॉटर के जैसे ना जादू की पुड़िया हर न्यू न्यू सीरीज में आते जा रहा है आपका। तो मुझे लग रहा है आप हैरी से हैरी पॉटर बन गए मेरे लिए, हर एपिसोड में नया कुछ, हर बार एक बार कभी एक स्ट्रेटजी दी कभी दूसरी स्ट्रेटजी दी। और सर, यू विल नॉट बिलीव, 2 स्ट्रेटजीज मेरे को आपकी सबसे बढ़िया लगी। वन इज SRM, क्योंकि है ना आप है ना कोई भी स्ट्रेटजी करके पैसा तो बहुत इजीली कमा सकते हो सारे स्ट्रेटजी से, लेकिन अगर SRM को आपने फॉलो नहीं किया तो आप सबका सब लॉस भी बहुत इजीली कर सकते हो। तो डिसिप्लिन इज वेरी मस्ट। और सेकेंड वर्ड जो आपका है, लॉस को दोस्त बनाने का, स्टॉप लॉस को दोस्त बनाने का, बस वो मेरे एक दिमाग में छप गया है कि भाई पहले स्टॉप लॉस का दोस्त बनाने का है। यू विल नॉट बिलीव सर, मैंने आपके कुछ वीडियोस मेरे वाइफ को दिखाए। 23rd जून वाज यस्टरडे माय बर्थडे, आई केम 9 PM फ्रॉम ऑफिस, 9:05 मैंने आपका सेशन ज्वाइन किया है, माई फुल फैमिली इज वेटिंग टू कट द केक, अरे ओके हाँ एंड आई एंड उनको मालूम है, उन्होंने आपका वीडियो देखा है मेरे वाइफ ने, शी इज टेलिंग यू जस्ट कंटिन्यू, जब खत्म होगा उसके बाद काटेंगे। यू अरे सर, थैंक यू सो आर मच, फुल्ली थैंक यू सो मच, मोटिवेटेड विद योर वीडियोस, तो क्या इसलिए बात मैंने है, आपको लिखा है सॉरी बोलो फीडबैक में। मेरे जब अपनी फैमिली को, मेरे को नहीं पता था सर, मैं बिल्कुल वेट कर लेता थोड़ी देर, आप नहीं, लोग का मैंने सही लगे। लिखा है सर, जब भी लास्ट लास्ट मौका दो मेरे को आपसे बात करने का है, जी, जब तक सेशन, बिकॉज बिकॉज सर कैसा है, बहुत सारी वीडियोस है बट जो फेस रीडिंग जो है ना आपका, जो बात करने का तरीका है, सामने वाले को जो बताने का तरीका है, वो पूरा का पूरा एकदम सही प्रॉपर है, कि आदमी ना मंत्रमोहन हो जाता है आपके बताने के तरीके से, और एक ही जी झटके में ना वो एक्सेप्ट कर लेता है। और जो ये जो एक्सेप्टेंस है ना सर, ये आपके कॉन्फिडेंस से दिखता है, जो जो नॉर्मल बंदों के जैसे नहीं है सर। आपने जो 13 ईयर्स 14 ईयर्स जो तपस्या रह की है, आई एम सो लकी, और मुझे बहुत बुरा भी लगता है कभी कभी कि ये इतना 20वां बैच है कि 2200 बैच है यार, कितना बड़ा नुकसान किया, फर्स्ट बैच में क्यों नहीं ज्वाइंट हो सका आपके, अरे इतने दिन बाप, कहाँ थे आप।
एक एक भविष्यवाणी कर सकता हूँ सर आपके बारे में, 5-10 साल के बाद है ना सर, 1000 आपको यूट्यूबर्स मिलेंगे और सब बोलेंगे किंग्स रिसर्च की यूनिवर्सिटी से पास हुए। कोई अटेंडेंट, इट इज रियली वेरी गुड क्लास। आई विल टेल व्हाटएवर द स्टूडेंट्स आर गिविंग द एफर्ट, यू हैव गिवन मोर देन दैट, यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू क्लैरिफाई द ऑल द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट। रियली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, and particularly what you are teaching is that psychologically as well as technically both will enhance the confidence level of all each and every student, and I think you will continue your this type of classes for the betterment of other students. All the best. I will not continue much more, but it was a very interesting class, and I will request you please conduct one investing class. Personally, I have requested you several times so that other people will also take the benefits how to invest for their futures. Okay, thank you, boss. Actually, that you taught us regarding VWF and pivot level, it was the very good and as well as threshold strategy plus this ulta pulta strategy plus BSR and bullish SAR, it was the very good strategies you have taught us. Namaskar sir. Namaskar. जी सर, एक्चुअली मैं तो पहले ये बोलना चाहूँ, दो सेंटेंस कहना चाहता हूँ आपके लिए सर, आप हमारे मेंटर हैं सभी के, एटलीस्ट मेरे लिए तो आप मेंटर हो, तो दो लाइन कहना चाहूँगा सर, मैं कागज बेरंग तू रंगरेज मेरे अल्फाजों का। तो सर आप मतलब इसके ट्रेनिंग के पहले सर हम लोग बहुत सारे, मैं तो ट्रेनिंग कर चुका हूँ, बट सर ऐसा मतलब आपने जिस तरीके से सिखाया, मतलब ऑब्जर्वेशन सर, मार्केट में तो सर सभी कुछ बहुत सारे स्ट्रेटेजी सिखाते हैं साइकोलॉजिकली, बट जो भी है, बट आपने जो देखने का नजरिया जो चेंज कर दिया, जो बोलते हैं सर थर्ड आई व्यू, ईगल आई जो बोलते हैं, तो आपके सर जो मतलब स्ट्रेटेजीज थी तो वो मतलब माइंड ब्लोइंग सर, मतलब उसको मार्केट में सभी सर कैंडलस्टिक पढ़ाते हैं, सभी कुछ पढ़ाते हैं, बट आपने जो हमको सिखाया देखने का तरीका कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशन ऑपरेटर या फिर साइकोलॉजिकली कैसे मार्केट को पढ़ा जाता है वो, और सर वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजीज आपकी सर ईस्ट वेस्ट स्ट्रेटेजी, जिससे हम लेवल्स निकाल सकते हैं। दूसरा सर सबसे अच्छा लगा मुझे फिबोनाची का आपने जो बताया वो बहुत बढ़िया, हम कैसे हाई और लो को कैसे मार्क कर सकते हैं, पहले से कैसे पता कर सकते हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट। तो सर हैट्स ऑफ टू यू एंड गॉड ब्लेस यू फॉर योर फर्दर सक्सेस इन नियर फ्यूचर, और इस तरीके से आप लोगों को और मोटिवेट करते रहिए। हाई सर, आदित्य हियर। सर इट इज अ वंडरफुल सेशन, द 10 डेज दैट वी आर अटेंडिंग, I have learned so many things in the session, which I don't know anything about these strategies earlier. And before that, I have lost around 1 lakh rupees 2 years back, and I have stopped trading for 2 years. And now I came with 20,000, and I have also lost that. But after starting your session, I was getting some profits, so I want to continue with these strategies. And my most favorite strategies are threshold, east and west, and the gap strategy. So I want to practice on these strategies for one to two months and see how it is going on. Sir, this is my first class section, and. बहुत बढ़िया लगा सर आपसे क्लास लेके, बाकी मैं फीडबैक अपना उसमें देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट वो है मेरा, तो वैसे बहुत बढ़िया लगा, आपने 10 की जगह 12 दिन पढ़ाया, पर मन से पढ़ाया आपने, आपने ये नहीं देखा कि मेरे 10 दिन पूरे हो गए बंद करो क्लास, ऐसा नहीं, आपने जो भी चीज देनी चाहिए पूरे दिल से देनी चाहिए, तो मैं भी चाहता हूँ कि आपके साथ कंटिन्यू बना रहूं। जी अच्छा, नहीं मैं पिछले 8-10 साल से काम कर रहा हूँ और ऑलरेडी काफी लॉस कर चुका हूँ, तो जब से आपसे लिए मैंने उल्टा पुल्टा स्ट्रेटजी लिए और 2-3 लिए, तो उस पर काम कर रहा हूँ मैं, और पैसा बनना चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है आपका पैसा बनना। हाँ सर, अभी ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, बाकी हल्के हल्के अब क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, पर
मैं सोच रहा हूँ पहले भी इसी पे कंटिन्यू रखूँ, अभी हल्की क्वांटिटी पे ही रखूँ। सर मुझे अभी 4 में नहीं हुए हैं मार्केट में आके। हाँ। तो पहले मैं क्या करता था कि टेलीग्राम पे किसी का कुछ मैसेज आया वही ट्रेड कर लिया। फिर जैसे ही मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की 3-4 दिन बाद जैसे ही साइकोलॉजी क्लियर हुआ, जो जो आपने चीजें पढ़ाई वो चीजें मुझे चार्ट पे खुद लाइव दिखने लगी। तो मैंने पहले तो टेलीग्राम अनइंस्टॉल कर दिया और फिर खुद वो जो आपने सिखा रहे थे उस हिसाब से ट्रेड करना स्टार्ट किया है और रोज अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और बहुत बढ़िया सीखने को मिला। काफी सारी स्ट्रेटेजी थी, ये कहना चाहूंगा कि आपने हर टाइप के मार्केट के लिए कम से कम एक स्ट्रेटेजी आपने दे दी है, तो चाहे मार्केट साइडवेज चले, चाहे मार्केट फुल ट्रेंडिंग जोन में चले या मार्केट स्लो चले, कुछ ना कुछ पैसा बनेगा ही बने। थैंक यू सर। और एक चीज, कमिटमेंट लेवल आपका काफी बढ़िया रहा, क्योंकि बात हुई थी 1.5 घंटे के टीचिंग की, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 घंटे मिनिमम हर दिन हो जाते थे और जो डेज भी एक्सीड हुए हैं और आप उसको एक्सीड करने के लिए और रेडी हो, तो ये काफी सारा अच्छा आपके एंड से भी रेस्पॉन्स देखने को मिला। थैंक यू सर। जी नमस्ते सर। जी सेशन बहुत और सर आपका जो आपने जो साइकोलॉजी सिखाया वो हमेशा याद रहेगा हमें। और जैसे कि आपने कुछ वर्ड्स बताए जैसे कि दादाजी, वो तो सर हमेशा याद ही रहेगा, वो भूल ही नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, मैं 5 साल पहले कोलकाता में क्लास किया था, उसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस क्लास किया था। ओके। लेकिन उसमें सब कुछ सिखाया उन्होंने, लेकिन मैं मार्केट में ट्रेड भी किया, सब कुछ किया, लेकिन लॉस हुआ और मैंने बंद कर दिया। लेकिन सर ये जो प्राइस एक्शन और जो आपने जो सब कुछ जो देखना, मार्केट को कैसे देखना है, कैसे समझना है, ये जो चीज आपने सिखाया हम लोगों को, ये हम लोगों को कभी कोई दूसरा आदमी नहीं सिखाएगा सर। क्योंकि जो खुद सिखाना चाहता है, मतलब बिना डर के, मतलब ओपनली जो सिखाना चाहता है किसी को, वही इतना सब कुछ देता है। ये हर कोई नहीं दे सकता है सर। बराबर। हर कोई आधा चीज ही समझाता है कि आप कूद जाओ, आप लॉस करो, लेकिन आपने मन खोल के सब कुछ सिखाया सर। तो मैं तो सर आपको भगवान मानता हूँ सर। मैंने आपको बहुत बार ये चीज ही बताया है आपको, तो मैं कभी आपसे अलग नहीं हूंगा सर, ये मेरा वादा है आपसे। Okay, first of all, thank you so much. And to be frank, you know, 14 years I'm into this IT industry, and because of this corona, suddenly I thought, okay, let me do something. So to be very frank, normally I have seen, before starting this, I have seen almost 100 of videos of many people. The only process video which I seen multiple times is yours. And then... उसके बाद व्हाट आई वुड से आई ऑलमोस्ट डिड सम बिगर मिस्टेक लाइक ब्लाइंडली बिलीविंग ऑन पीपल यू नो यू हैव ऑलरेडी गिवन दोस यू नो थिंग्स द मिस्टेक्स व्हिच वी डू देन आई थॉट ओके लेट्स लर्न सो दैट्स द ओनली ऑप्शंस व्हिच वी हैव टू ग्रो सो व्हाट आई फील द बेस्ट what you are giving to us is the mindset, because that actually gives us the strength to sit next day and learn. I mean, because I'm completely a beginner, just a month old, but you know, the mistakes which I did is big time blunders as well. So the mindset of what you have given is really awesome, and that makes me to attend your class and learning things. And the candle things which you have covered, it's really you know, awesome thing for beginners to at least sit and spend some time and understand. And apart from that, the remaining all what you have given, obviously for me, it will take some time to understand, but I really enjoyed the whole time. And even after your class, I sit, you know, spend a lot of time apart from my job. IT job, you remember, even your wife also works in IT, right? So we have a tedious life. But still, I spend a lot of time after the class try to understand many things. Thanks a lot for your thing, and it makes
my understanding much simpler than before, and now I'm a bit confident. I'm thinking at least I'll continue. I can able to continue at least. Thank you so much. Actually, kyaam hota ki like you know the what happens is after you know IT, we always having a different thought like what we'll do you know once we you know spend this many years of time. What should I be doing after I finish this? Like the, I think it's one of your experience what you are sharing sometime before. Should I be utilizing my savings as PF, or it could be my bank savings, or should I also have something which should I should not be sitting idle? Okay. If I can I can start something which is now, and I'll have enough time, maybe 5 years down the line, 10 years down the line, I should learn something. And, you know, once I come out of my, you know, IT industry job, I should have something which should be making me excited. And I should feel good at learning. And, you know, at the end of the day, money also matters. So I should not be in any kind of risky zone, to be frank. ढक्कन तो खोला काफी दिमाग का. बहुत कुछ मैंने बहुत कुछ यूट्यूब के वीडियो और ये सब इंटरनेट पे पढ़ पढ़ के काफी कुछ सीखा, बट उसको है ना चैनलाइज करना नहीं आ रहा था. एक वो बोलते हैं ना कि आपको एक सही गाइड करने वाला पर्सन चाहिए जो आपकी एनर्जी को सही जगह पे चैनलाइज कर सके. तो वो मुझे आपसे मिला है कि मैं पढ़ बहुत ज्यादा घूर घूर के चार्ट को पढ़ता था, बट बोर हो जाता था, कुछ मिलता नहीं था, वो मुझे आने लग गया. अभी वो जो फीलिंग आता ना आप लोग जैसे देते हो वीडियो बनाकर कि ना ये लेना है कल स्टॉक, वो लेना है, मुझे वो फीलिंग चाहिए था अपने अंदर कि यार मेरे को कल क्या लेना है, मुझे वो अब भी सोचना है. मैं वो रात में बैठ के रोज ढूंढता हूँ, और वो आपकी स्ट्रैटेजीज के बाद से मुझे अब आने लग गया कि मुझे कल क्या लेना है. और मुझे बहुत सारी चीजें जब मिलती है ना वो मुझे सुबह सुबह टीवी में BTST में दिखती है. आपने स्ट्रैटेजी तो सिखाई है, आपने सबसे मेन चीज जो सिखाई है ना सर स्टॉप लॉस को पढ़ना, कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है. जब हम किसी टिप्स देने वाले से टिप्स लेते हैं ना तो हम यही पूछते रहते हैं कि वो आदमी हमें कब रिप्लाई करेगा कि SL क्या है, SL क्या है, और तब तक हमारा ना खूब सारा अमाउंट उड़ जाता है. और आपकी स्ट्रैटेजी से क्या है कि मैं किसी को देखता ही नहीं हूँ, चाहे मुझे कोई टीवी वाला कुछ बोल रहा है, चाहे कोई मुझे टेलीग्राम पे दे रहा है, बस आपने जैसा सेटअप पूरा सिखाया है वैसा मुझे समझ में आता है, मुझे मेरा SL मिल जाता है, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, हिट हुआ हड़ में गया, नया ट्रेड लेंगे, बट वैसा ही करेंगे जैसा सिखाया है. सर मैं पहले बिजनेस करता था और अपना लॉग वजह से मैं अपना जो बिजनेस करता था सीधी सी बात पैसा जहाँ भी है बिजनेस में लगा के बिजनेस को ग्रो किया है. अभी लॉकडाउन से अपना पूरा खत्म हो गया था तो मैंने मार्केट में ज्वाइन किया. तो शुरू में आपने जैसा शुरू में पूरी साइकोलॉजी और जो बताया कि कैसे लोग ट्रैक करते, इधर से कॉल आएगा उधर से कॉल आएगा, वो पूरा मेरे साथ हो चुका. आपने जो जो बताया मैं ये कह सकता हूँ 100 out of 99% मेरे पूरा applicable हो पूरा. सर डिट्टो मैं तो day one से वही notice कर रहा, डिट्टो एक एक चीज मेरे गलती मेरी आंखों के सामने आई. फिर मैंने technical भी course किया था आपसे पहले, तो मैंने उसमें वो करे, मैंने 70,000 का loss खा चुका उसमें. अब जाके मुझे वो technical course जो मैंने किया उसमें भी मैं कहां कितने गलतियां किया, मतलब उन्होंने जो सिखाया आपका तो सर लेवल ही अलग है. वो मैं मतलब मैं बता नहीं सकता सर कितना. देखो सर सीए में हमने फंडामेंटल सीखा था, कोई भी कंपनी का फंडामेंटल और उसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते, बट सीए में इंट्राडे के बाद मैंने कभी नहीं सीखा, ना हमारे बुक्स में था. अब जाके पढ़ रहा है कि टेक्निकल में इतनी पावर है सर, इतनी पावर. इंसान मैं कसम से सोच रहा हूँ बिजनेस बंद करके फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊँ आपकी स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस करके. इन शॉर्ट ये बोलना चाहता हूँ. मजे आ गए सर. मैं अभी वो भी प्लान कर रहा था, मैंने आपको देखा था 1 lakh का कोर्स कुछ है, मैं बोला अगर जिस के ये पूरा यूज करके 1 lakh कमाऊंगा वो कोर्स लूंगा मैं. मुझे फुल टाइम उतरना है इस फील्ड में. मुझे मेरे को बिजनेस क्यों किया था सर, डेली कुछ नया मिलता था बिजनेस में, सेम मुझे मार्केट में भी अभी वही सीख रहा हूँ मैं डेली नया. एंड सर मेरे पास क्लास फीडबैक्स है. फर्स्ट थिंग सर मैं 1.5 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ. लाइक स्टार्टिंग मैंने क्रिप्टो से स्टार्ट करा था, देन क्रिप्टो, देन फॉरेक्स, और बहुत स्विंग ट्रेडिंग करता था. मैंने शुरू में कहीं से टेक्निकल क्लासेस ली और उसकी बिहाफ पे स्विंग ट्रेड करता था, मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट मिलता था. बट मैंने सोचा मुझे स्टॉक मार्केट भी आना चाहिए, एज इंडिया में तो स्टॉक मार्केट होना चाहिए. तो उस टाइम फर्स्ट वीडियो मैंने स्टॉक मार्केट का आपका मिला. एंड रियली आई एम सेइंग
कि ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आई डोंट थिंक सो किसी की है ऑन यूट्यूब रिगार्ड्स स्टॉक मार्केट, किसी की नहीं है. जो पॉजिटिव बिहेवियर है ना सर आपका, स्पीकिंग जो होती है पॉजिटिव वो, एंड आई रियली वांट टू से हमारे सारे ग्रुप में सबको यही चाहिए होगा कि सर वीक में या फिर मंथ में प्लीज एक क्लास जिसमें हम सब म्यूट हो और आप बोलें और हम सुने, वो जरूर चाहिए. मैं खून भर देगी. एंड रियली फ्रॉम माय वर्ड्स मैं हमेशा, मतलब मेरा एक लाइक वर्ड है कतली सर, यू नो द क्लास एंड यू एंड द वर्क ऑल लाइक अ कतली सर, ऑसम सर. मैंने स्टॉक मार्केट अब स्टार्ट करा है, मैंने आपके लिंक से एलाइज ब्लू में अकाउंट भी ओपन करा लिया है एंड डूइंग वेरी स्मॉल ट्रेड्स ओपन कर रहा हूँ मैं अभी, बट आई विल डू डेफिनेटली बिग. एंड हाँ, स्टॉक मार्केट में इफ आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू एंड रियली सर अप्रिशिएटिंग इतनी अच्छी क्लास और इतनी अच्छी चीजों को लाइक एग्जीक्यूट करना मैंने अभी तक नहीं सीखा. इवन सर वन मोर थिंग, स्विंग ट्रेड्स में हम मुझे काफी लॉन्ग टाइम में एंट्री मिलती थी, वन डे टू डे थ्री डे फोर डेज के बाद में मुझे एंट्री मिलती थी. उसी सेम चीजों को आपने एलिब्रेट करके विद इन अ डे विद इन 5-15 और सर एक चीज और विच इज टू गुड, कोई भी एनालिस्ट हो या कोई भी टीचर हो कभी इतना टाइम नहीं देता. आपने 1.5 घंटे का टाइम बोला, आपने 3-3 घंटे 12-12 बजे तक क्लास दी, ये कोई भी कभी भी नहीं देता. 10 days इट मीन्स 10 days एंड देन गेट आउट. आपके यहाँ पर कोई 10 days नहीं, नथिंग एल्स, 1 घंटे की जगह 3 घंटे. आप अभी भी फीडबैक देने को तैयार हो, आप अभी भी हेल्प कर रहे हैं. हेलो सर, दीपक इंग्ले. या दीपक सर प्लीज सर. या सर एक्चुअली जो बोलते हैं ना सर, गुरु बिना ज्ञान नहीं है, वो तो एकदम सर सही है. बिकॉज आई वॉज ट्राइंग फ्रॉम लास्ट 2 years एंड सर मैंने देखा है दलित में 50,000 1-1 लाख भर के मैंने देखा है कि इतना आश भी हो सकते थे इनको ट्रेडिंग में. बट आई विद इन 10 days मुझे वो कॉन्फिडेंस मिल गया है कि मतलब लास्ट 2 days से मैं देख रहा हूँ मेरा स्टॉक सिलेक्शन भी एकदम सही से जा रहा है. एंड एक बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बस मेरे 5 ही 5 ट्रेड ग्रीन में मेरे आ गए थे. सो इट वॉज रियली बूस्टिंग फॉर मी. एंड डेफिनेटली मेरे जितने कलीग्स है, एक्चुअली मेरे साथ 3-4 लोग और भी थे. सो वो भी एक्सपेक्टेड थे. सो उन्होंने बोला कि एक्चुअली दे वर ऑन अ बेसिक लेवल. So they said ki you go with the class was the secret and advanced technical analysis. So ab unko recommendation dene wala ki aap please join karo, definitely aapka basic bhi jayega, wo bhi aapka clear ho jayega isme. So wo sir ek level hai aapne ek pakad ke rakha hai and definitely aage chal ke main yahi sochne wala because difficult ki pura din trade karke sab kuch kaam karne ke baad class karna. It is not मतलब regarding you, it is not easy task. वो आप एक कर रहे हैं, तो hats off you sir. And मैं भी यही सोच रहा हूँ सर कि lockdown के बाद में आहिस्ता मेरा जो job है वो मेरा secondary रहेगा and I will be completely shift on my primary business on trading only. So ये lockdown में मेरे बहुत सारे companies के change of mind देखे हुए regarding my company also. So that is why ये पूरा का पूरा अभी change हो चुका है mind. So definitely sir lockdown में आपके साथ काम करना है and थोड़े दिन के बाद मैं workshop में भी attend करने की कोशिश करूँगा. Thank you so much. I think for me what really stands out is the patience you have in dealing with so many students and trying to address all their queries you know patiently, because quite frankly I am not that patient and you know I feel that you know agar koi cheez sikha diya hai to usko bar bar wahi cheez wapas repeat karne ka kuch matlab nahi hai. But I think you dealt it pretty well and you did a good job in explaining it again and again to those people. I think that was the best. Obviously strategies, as you say, there are a number of strategies. You can go ahead and apply all the strategies, but I think what I take back from you is ki, you know, work on one strategy, master that strategy and then move on to the next strategy if you see success. So I think that is the takeaway. You have given us a number of strategies, east, west, you know, power play and crocodile and Trishul. So I think strategies are enough, but I think we'd have to practice it and then get into it. So I think two key takeaways for me. One is you have to have patience when you're trading.
which I've learned from you. And two is, don't go with all your strategies. We have a clear training setup. Exactly understand what you want to do the next day. If things don't go your way, you take the stop loss and move out. Learn what exactly went wrong and then come back the next day. So I think these are the two key takeaways. And third, for personally, I would take, having that level of patience on all aspects, outside trading also. Because, you know, to go ahead and manage 300 or 350 students and to listen to each of them is something which is really mind-boggling. So great effort. Only one feedback I would have for you is, when you're doing this class, let's block this, 1 hour or 2 hours or even 3 hours that you take for the class, because, you know, you get so many calls. Sometimes, you know, it really gets mind-boggling. But I think overall you have managed it well. I'll be looking forward to be in touch with you, if I don't understand any particular strategy. So great work. Looking forward to meet you once Corona is off, and also looking forward to applying all this that we have learned. So thank you so much. Arey sir, bahut kuch leke ja rahe hain sir aapse. Sabse pehle to sir, patience is the key in the share market. Correct. Second thing, always think for the chindi stop loss. Don't think anything. Just your stop loss is very less, so you can go ahead. Find the proper setup, then you can trade, and you no need to fear, because you know whatever you are going to lose. Exactly. It's a wonderful good point. Right. Thank you. And sir, आपका जो सर टीचिंग स्किल है सर, माइंड ब्लोइंग सर. मतलब कहना चाहिए कि सर, अगर आपके पास मतलब सर घोड़े और गधे दोनों हैं, तो आप सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि वो गधे भी घोड़े बन जाएंगे सर. इतना आप रिपीट करते हैं सर, इतना रिपीट करते हैं कि वो कहते हैं ना सर, कहावत है, रस्त्री आवत जात है, मेरे को पूरी याद नहीं. मतलब आप इतना रिपीटेशन कराते हैं कि मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, कि किसी को आपकी मतलब टीचिंग स्किल में या जो आपने पढ़ाया उसको पता नहीं हो. जी, वो क्रेडिट सर टोटल आपको जाता है सर, क्योंकि बहुत सी बार कोई मतलब किसी का ध्यान कहीं इधर उधर होता है, तो आप रिपीट करते हैं और देन आपका जो पढ़ाते हैं सर, अल्टीमेट सर, मतलब 2 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा. जी नमस्ते सर. एक फीडबैक अच्छा है. क्लास के पहले मेरा पोजीशन ऐसा था, इधर चला मैं, उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, फिसल गया, तो हर बार मैं फिसल जाता था. फिर मैंने किंग रिसर्च का अपना सीक्रेट एंड एडवांस टेक्निकल का एनालिसिस कोर्स किया, जिसमें से मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ गई जो किसी भी यूट्यूब में या किसी भी बुक में नहीं थी. तो ये पूरे 10 दिन के क्लास के बाद मेरा भी जो है रास्ता एकदम क्लियर हो गया है. उस पर भी एक छोटा सा गाना है, हाँ यही रास्ता है, तूने किंग रिसर्च से सीखा है, और लक्ष्य तो एक दिन जरूर ही पाना है. जय हो सर. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बड़ा थैंक यू. क्या बात है, थैंक यू मैम, थैंक यू. सबसे पहले एक बिग थैंक यू आपके लिए, जिस तरह से आपने क्लास दिया है सर. एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट क्लास है, मुझे बहुत समय स्टॉक मार्केट में तो नहीं हुए हैं. एक्चुअली मुझे स्टॉक मार्केट का एफ भी नहीं पता था, बट यूट्यूब में मैंने सर्च कर करके सीखा है, और ये मेरा फर्स्ट क्लास है. जो आप बोलते हो ना सर की ढक्कन खोलने की बात, ये रियली मेरा ढक्कन खुल गया है. और जो आप एक कोटेशन देते हो, what has once been learned can't be unlearned. Exactly सर, जो आप क्लास कर लेना, उसके दिमाग में वो सारी चीजें इतनी घूमेंगी ना, कि वो साइकोलॉजी और जो टेक्निकल एनालिसिस आपने बताया ना, वो दोनों को कंबाइन करके एक बेस्ट ट्रेड कर सकता है. सर अभी मैं बहुत बड़े ट्रेड्स तो नहीं लेती हूँ, छोटे मोटे ही ट्रेड्स करती हूँ, बट उसी पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी. मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में रहती थी, बट पता नहीं होता था कि कहाँ से एग्जिट करना है. एग्जिट पॉइंट आपने बताया कि किस तरह से एग्जिट लेना है, प्लस स्टॉक सिलेक्शन, जैसे बहुत सारे स्टॉक्स को देखना पड़ता था. अब क्या है कि उसमें बहुत सारे वो फिल्टर्स लगा दिए हैं आपने, जैसे कि पता चल जाता है कि किस तरह से कम स्टॉक्स
मतलब मिल सके। और सबसे बड़ी बात सर, जो आपने साइकोलॉजी सिखाई, स्ट्रेटजी तो सारे लोग बताते हैं, बहुत सारे स्ट्रेटजी हैं, लेकिन जो आपने आप कहते हैं सर कि 30% ही स्ट्रेटजी काम करे और बाकी जो 60% आपका 70% साइकोलॉजी काम करता है, ये बिल्कुल ट्रू है सर, ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। और इनफैक्ट ये जो आपका क्लास करे ना सर, वो खुद भी साइकोलॉजी डेवलप मतलब अपने आप उसके दिमाग में हो जाएगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आप क्लास इतना मतलब पावरफुल होता है ना कि किसी के दिमाग में घुस के वो सारे जो कैंडल्स है और या फिर जो टेक्निकल्स है, जो साइकोलॉजी है, वो दिमाग में ना सर दौड़ता रहेगा। कोई भी इंसान अगर चार्ज देगा तो इतना पावरफुल होता है आपका क्लास। और थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, इतने अच्छे से क्लास को कंडक्ट करने के लिए। और मेरा बेस्ट विशेष है सर कि आज जिस लेवल पे हो आप उससे और 4 गुना 5 गुना लेवल पे जाओ, इसी तरह से सबको मोटिवेट करते रहो। एंड इनफैक्ट की फ्यूचर में हम सबको आपकी और बहुत जरूरत है। इनफैक्ट की जो आप बोल रहे थे ना सर कि गर्ल्स कर सकती कि नहीं, सर गर्ल्स बिल्कुल कर सकती है, मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। लोग बस इसको बोलते हैं कि ये डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से आपने क्लास को बनाया है ये बहुत ईजी है सर, बस केवल एक सिक्स सेंस की जरूरत है। मतलब गर्ल्स को हमेशा ये बताया जाता है कि आपको गर्ल्स घर संभालना है, एनीथिंग, बहुत सारी चीजें होती है। पर जिस दिन लड़कियां अगर सारी चीजें छोड़ करके अगर इस पे घुस जाना है, फिर लड़कियों से बेस्ट कोई नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, बताएं। पहले तो मैं गुरु का चरण सुना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू। भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि वर्ल्ड में आप फेमस हो जाओ, वो भगवान पास में प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू रंजीत सर, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। क्योंकि आपका जो क्लास है, मैं तो वैसे भी बहुत लॉस किया हूँ, अभी तक मैंने 25-30 लाख का लॉस कर दिया है मार्केट में। ओके। और 2-3 जगह मैंने क्लास भी अटेंड किया था, लेकिन वो सब छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मार्केट में जब लॉस हो जाए तो उसको भूल जाना चाहिए। वैसे मैं भूल गया हूँ, जो भी दो तीन क्लास किया था उसको भी मैं भूल गया और फ्रेश होके इसमें आया मैं। हाँ जी। और आपका ये 10 या 11 बजे 11 दिन जो भी आपका जो क्लास लिया, 100% सक्सेस हुआ। और मैंने एक ही बात फाइनल किया है कि मैं एक ही स्ट्रेटजी भी काम करूंगा। उल्टा पुल्टा स्ट्रेटजी मेरे दिमाग में बैठ गई हो। और SRM जो अपना जो एक है टॉपिक, उसी के भी मैं फोकस करता हूं और एक ही मैं स्ट्रेटजी पर्सनल करता हूं उल्टा पुल्टा वाली, बाकी मैंने सब छोड़ दिया है, क्योंकि एक ही पर फोकस करेंगे तो ही पैसा बनने वाला है। ठीक है, जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग चैरिटी करते हैं, लेकिन आपका ऐसा माइंडसेट है क्लियर पॉजिटिव कि जो भी पैसा जिसने भी लॉस किया है, जिसने भी जो किया है, कई पूरी दुनिया घूम के पूरा यूट्यूब गूगल सब छान मारा है, किसी कभी किसी को कुछ नहीं मिला है, तभी आपका क्लास ज्वाइन किया है। मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जब पैसा पैसा गवाया है तभी आपकी क्लास में आया है, पैसा बनता तो कौन आने वाला। परसों आपका जो क्लास चालू था तभी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी बॉडी में, तभी मैं सोच रहा हूँ तो भगवान इसको शक्ति दे, और जो आज हुआ आज के बाद कभी ना हो, ऐसी मैं भगवान पास से प्रार्थना करता हूँ। और आप भी सेफ रहे, आपका फैमिली भी, भगवान से दुआ करता हूँ कि सेफ रहे और तरक्की करो, और हमारे जैसे छोटे आदमी को आप सपोर्ट करते रहो, भगवान आपका भी सपोर्ट करेगा। और डेफिनेटली किया ही है आपको, एटले आप लोगों को सपोर्ट करते हो, बहुत आपको धन्यवाद, आपका माता पिता जी को भी खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। इनिशियली सर मैं बता देता हूँ कि मैंने अप्रोक्स 2000 मोर देन 2000 वीडियो यूट्यूब में मैंने सर्च किया डेली बेसिस में। मैं अप्रोक्स लास्ट टू ईयर से ट्रेड कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं होता था कि कहाँ से एंट्री लेना है, कहाँ से, बस एक तुक्का मार दिया और मोर देन वन लाख आई हैव लॉस्ट इन द मार्केट। पर लास्ट के एक साल में मैंने 2000 से ज्यादा वीडियो सर्च किया। सर्च करते करते जब मैंने किंग रिसर्च का नाम देखा तो मैंने भी ऐसे तुक्के से क्लिक कर दिया। मैंने कहा चलो इस वीडियो को और देख लेता हूँ। तब मेरे थोड़ा सा माइंड में होता कि कुछ तो है इस सर रिसर्च में। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, तभी आपका एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो क्लास था लास्ट वीक में,
तो मैंने डिसाइड किया पहले इसको ज्वाइन करता हूँ, क्या पता कुछ अच्छा मिले। तो मैंने बहुत कुछ तो हो ही दिया, कुछ तो मिला नहीं है। तो फिर मैंने उस समय जब आपका बंडी क्लास ज्वाइन किया, तब मेरे माइंड का कुछ मतलब ऐसा ढक्कन खुला कि हाँ यस, अब मुझे लग रहा है कि मैं सही पटरी पर आया हूँ। हो सकता है कि मेरे का आगे का subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video